Assalamualaikum, it's me Ramisha Haseeb and welcome back to my YouTube channel. और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू यूज़ इनशॉट। इनशॉट से आप लोग कैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वीडियोस एडिट कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो। मेरे पास एंड्रॉयड है, अगर आईफोन की भी वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं दिखा दूंगी आपको। तो चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई वीडियो सेव पहले से की हुई होगी तो ड्राफ्ट में आ जाएगा। तो हम न्यू पे जाते हैं, सही है। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एल्बम एंड मटेरियल। मटेरियल में आपको आउट्रो, इंट्रो, सब्सक्राइब का बटन, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। पर यहाँ पर एल्बम में आपके पास तीन ऑप्शन है, वीडियो, फ़ोटो, ऑल। तो हमें ऑफकोर्स वीडियो लेनी है, तो यहाँ से मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेती हूँ, वो वीडियो है ये वाली। देन इसके बाद यहाँ पे एक टिक आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, ये वीडियो आपकी खुल के आ गई। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैनवस की। कैनवस में क्या हो सकता है कि अगर आपकी वीडियो नो फ्रेम है, आप नो फ्रेम पे रख सकते हैं, 1:1 पे रख सकते हैं, 4:5 पे रख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। 16:9 पे रखेंगे तो ये यूट्यूब का दिखाएगी। और यहाँ पर साथ ही साथ इसके पिक्चर्स भी लगी हुई, टिकटॉक का है ये इंस्टाग्राम का है, ये सारी चीज़ें भी है, सही है। तो हम YouTube पे रख लेते हैं 16:9, और यहाँ से करीब और दूर भी हो सकता है, पर हम नॉर्मल रखेंगे जैसे होता है बस। तो अब हम टिक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहे तो अपने चैनल का नाम दे सकते हैं उसकी ओपेसिटी कम करके। तो हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं YouTube चैनल का नाम है रमीशा जमी सिंह वर्ल्ड, तो मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रमीशा अमेजिंग वर्ल्ड तो नहीं लिखा, मैंने अपना नाम लिख दिया रमीशा हसीब। ओके, अब अगर आप चाहे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड लिया हुआ है और इसका बॉर्डर जो होता है, यहाँ से बॉर्डर मैंने लिया हुआ है वाइट। इसको अगर आप तेज़ करना चाहे तो तेज़ कर सकते हैं, अगर कम करना चाहे कम कर सकते हैं, बट मैंने अभी ज़्यादा किया हुआ है। आप शेडो भी ले सकते हैं, लेबल भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन भी बहुत सारे, और ओपेसिटीज़ की कम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। तो क्योंकि मुझे चैनल के सामने लगाना है तो मैं इसे उसकी ओपोसिटी थोड़ी सी कम कर देती हूँ, इतनी काफ़ी है। इसके बाद आप लोग अगर इसका ये चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट, तो आप ये भी कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने रोबोटो मीडियम लिया हुआ है तो ये सही है मेरे लिए। और इसके बाद यहाँ से अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, नॉर्मल करना चाहते हो वो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इसमें। ओके, इसके बाद हम इसके बराबर में जो बॉल बनी हुई है इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन कैसे करना है, आउट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो मैं तो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, तो इसको हम ऐसे ही छोटा बड़ा इससे कर सकते हैं आप। तो ये मैं लगा देती हूँ इधर, रमीशा हसीब देखे, सही है। अब आपको इसे पूरी वीडियो में लगाना है, तो बजाय आप इसे ऐसे ऐसे करें, आपके पास एक आसान तरीका है, आप इसके एरो के ऊपर क्लिक करें, वीडियो के एंड तक आप क्लिक कर दें, ये खुद ब खुद वीडियो के लास्ट तक चले जाएगा। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, सही है, कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो हो गई है। अच्छा, अगर आप चाहे इसकी वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। आप मैं आपको बता दूं कम क्यों करना चाहेंगे आप लोग, वॉल्यूम जाहिर सी बात है, अगर हम कम करना चाहते हैं, सॉन्ग लगाना चाहते हैं कोई, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल वॉल्यूम को कम कर देती हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे इसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दी, ज़ीरो पे कर दी है। अब बात आती है सॉन्ग, तो सॉन्ग जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है, म्यूज़िक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप अभी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, एंड म्यूज़िक लगाना है हमें तो हम म्यूज़िक लगाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको इसमें से एक डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला एक्शन, इस पर क्लिक कर देती हूँ। इधर बहुत से सॉन्ग है, तो मैं अर्ली आवर्स मेरे पास डाउनलोड हुआ है, ये भी डाउनलोड है, ये और दिखाती हूँ आपको एक मिनट, यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यूज़, अगर आप वीडियो पे लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हो, तो मैं ये लगा देती हूँ। ओके, और ये पूरी वीडियो पे चल गई है। तो या अच्छा, अब मैं घर से आवाज़ कम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ सही से आ सके। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉन्ग भी लगा दिया। अगर अब आपको इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं इधर, तो फ़िल्टर के ऑप्शन पर आपको जाना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्प्लिट कर लें कि आपको इधर से लेके इधर तक लगाना है, तो मैं इधर से लेके इधर तक लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं फ़िल्टर, इफ़ेक्ट पे जाते हैं, इफ़ेक्ट से हम कुछ भी लगा देते हैं। तो ये देखें,
ये करीब और दूर हो सकता है, तो बट मैं ये रख लेती हूँ। हम रहते ग्लिच, ग्लिच से थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ तक कर लेती हूँ एंड यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गई, देखिए जहाँ तक हमने किया है बस ये वहीं तक होगा, इसके बाद हट जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हट चुका, सही है। और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो मैं PIP का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, आप क्लिक करके कोई भी वीडियो इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट मुझे अभी नहीं लगाना। अगर आपको इस वीडियो को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें डिलीट हो जाएगी। अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है, वैसे तो इसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगाना है तो आप बैकग्राउंड पर क्लिक करके कोई भी कलर या ये पैटर्न ले सकते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो। ओके, इसके बाद अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप कुछ क्रॉप करना चाहते हैं ऐसे या ऐसे कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करती। देन आता है वॉइस इफेक्ट। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं, मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो ये ओपन नहीं हो रहा। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते तो ये आएगा वॉइस इफेक्ट। इसमें लड़कों की भी आवाज़ है, बच्चों की भी आवाज़ है, चिल्लाने की भी आवाज़ है, तो आप इससे वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाए डुप्लीकेट। अगर आपको इसका ही एक और बनानी वीडियो, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है जहाँ से लेके जहाँ तक आपका डुप्लीकेट बनाना है। तो मैं इतनी बस ये सही है, इसकी डुप्लीकेट बनाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये डुप्लीकेट हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी जितनी भी इसमें यूजेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो पार्ट 2 का वेट करिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।